हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुमन मेहता इज हेयर। एंड बेटा, फर्दर आपकी जो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स रह गए थे, आज हम उसको कवर अप करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारी स्कीम या प्रोग्राम है जो पॉवर्टी एलिवेशन से रिगार्डिंग है, वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और ये स्कीम बेटा 1999 में लॉन्च की गई थी थ्रू द इंडियन गवर्नमेंट। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड द पुअर फैमिलीज अबोव द पॉवर्टी लाइन बाई ऑर्गेनाइजिंग देम इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये 1999 में शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जो पुअर फैमिलीज हैं उनको इस टाइप से ऑर्गेनाइज करना कि उनके स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंक के जरिए उन्हें लोन प्रोवाइड करवाकर और सरकार के द्वारा उन्हें कुछ छूट दिलवाकर उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को रिक्रिएट करना और उनकी इनकम के सोर्सेज जनरेट करना। तो ये तो आ गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY लॉन्च इन 2000, ये जो है बेटा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMGY कहा जाता है, ये 2000 में शुरू की गई थी, भारत सरकार ने इसे शुरू किया। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें बेटा इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को फंड प्रोवाइड करवाती है, मदद करती है। किस चीज़ के लिए, जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य है या प्राथमिक हमारी शिक्षा है, और जो गाँव में लोगों के घर बनवाने में, लोगों को साफ स्वच्छ पानी की उपलब्धता करवाने में, और गांव के इलाकों में बिजली की व्यवस्था स्थापित करने में राज्य सरकारें जो काम करती हैं, उसमें केंद्रीय सरकार भी सहयोग देती है फंड के जरिए और असिस्टेंस या किसी और तरीके से सलाह देकर। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है बेटा, अबाउट विच यू विल बी रीड मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर में इसका इतने ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, लेकिन इसमें बेटा गरीब से भी अति गरीब परिवारों को जो राशन दिया जाता है, वो काफ़ी हद तक उन्हें फायदेमंद होता है, यानी उनकी बेसिक लाइवलीहुड का सोर्स बनता है, जिससे कि ना केवल वो अपना पेट भर पाते हैं बल्कि गरीबी को कम करने में इस योजना का भी एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहती है। द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। अब आपने यहाँ पर पहले तो बेटा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, पहले आपको ये बता देती हूँ, नरेगा स्कीम, उसके अलावा PMRY स्कीम, REGP स्कीम, और इसके अलावा यहाँ पर PMGY स्कीम है, SGSY स्कीम बीच में है। ये 5 स्कीम्स बेटा आपने मेजरली याद करनी है। इंडिविजुअली भी आप 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको एक कलेक्टिव फॉर्म में भी इसकी मेजर कंटेंट्स को डालकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सब चीज़ें समझा रही हूँ। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, इन योजनाओं के, इन कार्यक्रमों के जो परिणाम हैं बेटा वो मिक्स्ड हैं, मतलब ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा खराब हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि इतनी ज़्यादा योजनाएं देश के अंदर बनाई जा चुकी हैं जिसका फ़ायदा सीधा लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी गरीबी आज भी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसको अच्छे ढंग से लागू नहीं किया गया, राइट टारगेटिंग और इसका सही दिशा निर्देश नहीं बनाया गया, मतलब जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए उन तक ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। मोर ओवर, इसके अलावा देर हैज़ बीन अ लोट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। हमारे देश के अंदर ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं ये इतनी ज़्यादा बन गई हैं कि अलग अलग स्कीम को ऑब्जर्व करना आसान नहीं रह गया, और बहुत ज़्यादा स्कीम होने की वजह से हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। डिस्पाइट गुड इंटेंशन, हालांकि इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन अच्छे इरादों के अलावा
द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रीच टू द डिजर्विंग पुअर. इन योजनाओं का जो पूरा फायदा है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वहाँ उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा. हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि देश की सरकार के इरादे अच्छे नहीं हैं, वो इसको लागू नहीं करना चाहती, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जो पुअर पर्सन डिज़र्व करते हैं, जिनको ये इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उन तक ये फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा. देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. इसी वजह से आज की हमारी जो सरकार है नई नई योजनाओं को शुरू करने की बजाय पिछली जितनी भी स्कीम्स शुरू की गई हैं गरीबी रोकने के लिए, जितनी भी योजनाएँ या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उनकी सुपरविजन पर लगा रही है, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्हें चेक किया जा रहा है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है. तो ये तो था बेटा, आपने योजनाओं के बारे में पढ़ा. और इसके अलावा अब हम पढ़ने जा रहे हैं द चैलेंजेज अहेड, यानी आगे और समस्याएं क्या हैं. पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया. भारत में कुछ हद तक जो है पॉवर्टी यानी गरीबी दूर हो चुकी है और कुछ बनी हुई है. बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, हाल इस विकास के अलावा बावजूद पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज. भारत में गरीबी रोकना आज भी एक जो है चुनौती बना हुआ है. वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज. यहाँ अलग अलग स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या फिर जो शहरी क्षेत्र हैं, सब जगह पर ये गरीबी दिखाई देती है. और अमंग डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में भी ये दिखाई देती है. सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी. हमने देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक और आर्थिक समूह हैं वो भी गरीबी से ग्रस्त हैं, यानी गरीबी से पीड़ित हैं. पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 years. ये उम्मीद लगाई जाती है कि गरीबी रोकने के जितने भी उपाय किए जा रहे हैं इससे आने वाले 10 to 15 years में गरीबी दूर करने में हमें प्रोग्रेस मिल जाएगी. दिस वुड बी विजिबल पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये किसके जरिए हो सकेगा, देश का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास बढ़ाकर. इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन. और इसके लिए और भी क्या कदम उठाए जाएंगे कि प्राथमिक शिक्षा को यूनिवर्सल करके, यानी प्राथमिक शिक्षा सबकी पहुँच में होनी चाहिए. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए. इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, औरतों का सशक्तिकरण होना चाहिए, यानी औरतों को भी इस लायक बनाना चाहिए कि वो एक स्किलफुल पर्सन के रूप में दिखाई दें और अपना एक कंट्रीब्यूशन दें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में. एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और देश के वो पिछड़े वर्ग के लोग जो बहुत पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाकर भी हम अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं. तो ये बेटा एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट आर द सजेशंस टू रिमूव द पॉवर्टी रेदर देन गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो सरकार के कामों के अलावा और कौन कौन से तरीके से हम अपने देश की जो है गरीबी को दूर कर सकते हैं. तो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउ एवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल. हालांकि आधिकारिक जो गरीबी का अनुमान होता है बेटा वो एक सीमित मात्रा में ही गरीबी को दिखाता है, जबकि वास्तव में लोग ही ये महसूस कर पाते हैं कि पॉवर्टी का मीनिंग वास्तव में उनके लिए क्या होता है. इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग. एक न्यूनतम जीवन निर्वाह करना और एक अच्छा जीवन जीना, वास्तविक अच्छा जीवन जीने में फर्क होता है. मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इन टू ह्यूमन पॉवर्टी. कई हमारे विद्वान ये सुझाव देते हैं कि हमें इस पॉवर्टी के कंसेप्ट को बहुत बड़ा बनाना चाहिए, इसमें ह्यूमन पॉवर्टी को भी इंक्लूड करना चाहिए, यानी मानव गरीबी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए. ये मानव गरीबी क्या है बेटा, एक इकोनॉमिक पॉवर्टी होती है जिसकी वजह से लोग गरीब होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जब उस पॉवर्टी का असर उन पर पड़ने लगता है तो ह्यूमन पॉवर्टी बनने लगती है. यानी मानव पूरी तरह से एक जो है अपने जीवन का ह्रास कर देता है, यानी उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स.
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हो सकता है अपने परिवार का पेट पालते हों, परिवार का पेट भरते हों, बट डू दे हैव एजुकेशन? क्या वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं? क्या उनके पास अपना घर है और क्या वो अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्थ केयर दे पाते हैं, या फिर उनकी जॉब सिक्योरिटी है, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर इतना है कि वो किसी भी फील्ड में जाकर अपनी जॉब की एक्टिव इसको अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं? तो अगर ये सारी बातों के क्वेश्चन के आंसर हमारे पास हों तो हम मानते हैं कि वो देश गरीब नहीं है। और अगर नहीं है, यानी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं दे पाते, एजुकेशन नहीं दे पाते, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है कुछ भी काम करने का, तो ऐसे में हम मानेंगे कि वो देश गरीब है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? क्या वो जातिगत संकीर्णताओं से और लिंग भेद से ऊपर उठ पाए हैं? इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? क्या उस देश के अंदर अभी भी बाल परिश्रम करवाया जाता है, यानी बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज, संसार भर का जो अनुभव है वो बताता है दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेज। विकास के साथ साथ जो पॉवर्टी किस किस चीज़ से बनती है इसकी जो परिभाषा है वो भी बदलती रहती है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट। गरीबी दूर करने का जो उद्देश्य है बेटा, ये एक हर समय बदलने वाला उद्देश्य है। मीन्स हमारे विकास का स्तर जैसे बढ़ेगा, हमारी गरीबी की परिभाषा भी अलग मानी जाएगी। यानी जैसे हमारे देश के अंदर कार ना होना हमारे जो है एक रीजनेबल लाइफस्टाइल को शो करता है, जबकि अमेरिका में कार ना होना उनकी पॉवर्टी को शो करता है। तो इस टाइप से एक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होती रहेगी, यानी हमारी बेसिक नीड्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। होपफुली वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दशक के अंदर सभी लोगों को कम से कम जितना जीवन अच्छा जीवन जीने के लिए जो कम से कम जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनकी वो पूरी हो पाएंगी, और जो हमारे देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बिगर चैलेंजेज हैं, वो फिर भी हमारे देश के सामने बनी हुई हैं, अब हम उनके ऊपर भी काम कर पाएंगे। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इसमें शामिल है। कौन से हमारे देश की बिगर चैलेंजेज हैं जो आज भी बने हुए हैं? वो है पूरी जनता को हेल्थ केयर दे पाना, यानी स्वास्थ्य सुविधाएँ दे पाना, शिक्षा दे पाना, या फिर काम के अवसर दे पाना, और अचीविंग जेंडर इक्वालिटी हमारे देश के अंदर लिंग के आधार पर समानता स्थापित करना, यानी लड़का लड़की में समानता स्थापित करना, एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, और गरीब वर्ग के लोगों को सम्मान दिलवाना। दीज विल बी इवन बिगर टास्क। हालांकि ये बहुत बड़े टास्क हैं, बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट वर्क है। इस टाइप की जो है हम उम्मीद लगाते हैं कि अगले आने वाले कुछ सालों में इन सब से ऊपर उठकर हम अपने देश के विकास के लिए अपना सहयोग दे पाएंगे और इन डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर पाएंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा, और इससे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बेटा, मैं वो आपको लाइव क्लास में कराती रहती हूँ। तो मैं आप सिंसियरली उन चीज़ों को समझिए, लिखिए और याद कीजिए। अब बात आती है कि आप NCERT क्वेश्चन आंसर्स कौन से राइट डाउन करेंगे। तो आप इसमें फर्स्ट कीजिएगा बेटा, सेकेंड, और इसके अलावा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड, ये सेवन्थ वाला भी आप करेंगे, डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो पॉवर्टी एलिवेशन, इसी के अंदर सारी स्कीम्स आ जाएंगी बेटा, एट्थ, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ये बेटा वैसे तो देखा जाए तो 9 ही क्वेश्चन आपकी बुक में है, और ये 9 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करने हैं, प्लस इनको लर्न भी करना है, क्योंकि ये वही मेजर क्वेश्चन है जो बीच बीच में मैं बताती भी रहती हूँ जब मैं अलग अलग से आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट मैं सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करूँगी, तो आप अपनी बुक रेडी रखिएगा। थैंक यू।